अगर आप राजा हैं, महाराजा हैं, कहीं के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चौकीदार हैं, माफिया हैं, दबंग हैं, क्वीन हैं, तो आपकी अपनी एक अलग पहचान होगी जो या तो आपको विरासत में मिली होगी या आपने अपने काबिलियत के दम पर उसे बनाई होगी। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बॉलीवुड के धुरंधर अपने आप को अलग अलग श्रेणी में बांटकर अपना नामकरण कर लेते हैं। कोई खान गैंग का मेंबर हो जाता है तो कोई क्वीन बन जाता है। बॉलीवुड की ऐसी ही एक कथित क्वीन है कंगना रनौत। जब हमने इन कथित क्वीन की फिल्मी कुंडली खंगाली तो हमें पता चला कि क्वीन की तो हालत दासी की तरह हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम पोल खोलेंगे 33 में से 20 फ्लॉप फिल्में देने वाली बॉलीवुड की कथित क्वीन कंगना रनौत की। बॉलीवुड या गैंग या बॉलीवुड के माफिया पर प्रतिक्रियाओं को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत किसी भी मुद्दे पर जवाब देने से पीछे नहीं हटती। करण जौहर से लेकर खान तिकड़ी तक पर इन्होंने सवाल दाग रखे हैं। इंडस्ट्री में अपने दम पर चमकने वाली कंगना को लोग क्वीन कहते हैं, उन्हें बॉलीवुड का क्वीन कहा जाता है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? कंगना ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें क्वीन का दर्जा दिया गया? क्योंकि उनके करियर की अधिकतर फिल्में तो फ्लॉप ही रही हैं। कंगना 2006 से फिल्में कर रही हैं और अभी तक उन्होंने 33 फिल्में की हैं। कंगना ने अपने दम पर जो ब्लॉकबस्टर फिल्म दी वह सिर्फ तनु वेट्स मनु रिटर्न्स है। इसके अलावा उनकी एक और ब्लॉकबस्टर है, वह है क्रिश 3। लेकिन इसका क्रेडिट ऋतिक रोशन को अधिक जाता है। अगर हम उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो गैंगस्टर अ लव स्टोरी, लाइव इन अ मेट्रो, राज द मिस्ट्री कंटिन्यू, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तनु वेट्स मनु और क्वीन शामिल हैं। इस क्वीन की बाकी फिल्में सिर्फ एवरेज रहीं। इनमें फिल्म फैशन, डबल धमाल, शूट आउट एट वाडला और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हैं। वहीं इन फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर फिल्में फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हुई हैं। अगर हम कंगना रनौत की डिजास्टर फिल्मों की बात करें तो इसमें वादा रहा, नॉकआउट, गेम, मिले ना मिले हम, तेज, रज्जो, उंगली, रंगून और थलाइवी जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं कंगना की फ्लॉप फिल्मों में वो लम्हे, साकाला का बुम बुम, काइट्स, नो प्रॉब्लम, रास्कल्स, रिवाल्वर रानी, कट्टी बट्टी, सिमरन, जजमेंटल है क्या और पंगा शामिल है। यही है कंगना रनौत के फिल्मी करियर का काला गोरा और सांवला चिट्ठा। इसके बदौलत ही उन्हें बॉलीवुड में क्वीन की संज्ञा दी गई है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं।